जय हिंद दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल CAPF टेक एंड अपडेट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे CAPF में छुट्टियों के बारे में, जैसे CRP, BSF, ITBP, SSV, CISF, असम राइफल्स। इसमें छुट्टियां कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरीके से दी जाती हैं। अक्सर फौज में छुट्टियां दो ही टाइप की होती हैं, EL और CL। EL को अर्निंग लीव बोलते हैं और CL को कैजुअल लीव बोलते हैं। अर्निंग लीव को हिंदी में अर्जित अवकाश और कैजुअल लीव को आकस्मिक अवकाश। अर्जित अवकाश साल में 60 दिन होता है और आकस्मिक अवकाश 15 दिन होता है। उसके अलावा विशेष आकस्मिक अवकाश भी होता है, जिसे स्पेशल कैजुअल लीव बोलते हैं। ये अधिकतम 30 दिन की होती है, जिसमें खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियां, पर्वतारोहण में भाग लेने व नसबंदी कराने पर पुरुषों को 6 दिन और महिलाओं को 14 दिन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट छुट्टी होती है हाफ पे लीव, जिसे अर्धवेतन अवकाश बोलते हैं। अर्धवेतन अवकाश या पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 20 दिन के लिए दिया जाता है। मतलब आपने पूरी साल ड्यूटी की है तो उसमें हाफ पे लीव आपको 20 दिन दिया जाएगा। नेक्स्ट छुट्टी होती है कम्यूटेड अवकाश। यह मुख्यतः चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी होती है। इसके लिए अर्धवेतन अवकाश के 2 दिनों को 1 दिन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट छुट्टी होती है आपकी अर्जन शोध्य अवकाश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीव नॉट ड्यू। यदि खाते में किसी भी किस्म की छुट्टी शेष नहीं है तो विशेष परिस्थितियों में इसे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत अवकाश को आगामी वर्षों के अर्धवेतन अवकाश में समायोजित किया जाता है और पूर्ण सेवा के दौरान इसकी अधिकतम सीमा 360 दिन होती है। इसके बाद नेक्स्ट छुट्टी आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसे हिंदी में असाधारण अवकाश बोलते हैं। इस अवकाश को लेने के लिए जब छुट्टी खाते में किसी प्रकार की छुट्टी नहीं होती, कर्मी के खाते में मान लो किसी भी टाइप की उसने छुट्टी जमा नहीं की है, तब असाधारण छुट्टी स्वीकार होती है। अनुपस्थित समय अवधि को नियमित करने के लिए यह प्रदत्त की जाती है। जैसे कोई कर्मी छुट्टी गया है और वो छुट्टी से लेट हो जाता है और अनुपस्थित रहता है, तो इस छुट्टी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को नियमित किया जाता है और इसका वेतन नहीं दिया जाता है। यह चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर असाधारण अवकाश को स्वीकृत किया जाता है। उस स्थिति में अवकाश की अवधि वेतन वृद्धि तथा अन्य सेवा शर्तों में जोड़ी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट छुट्टी आती है मातृत्व अवकाश, जिसे मैटरनिटी लीव बोलते हैं। यह महिला कर्मियों को 2 बच्चों तक स्वीकार की जाती है। मतलब महिला कर्मियों के लिए 2 बच्चे होते हैं तब तक ये छुट्टी दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 180 दिन होती है। इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा नहीं जाता और इसमें भी पूरा वेतन दिया जाता है। इसमें वेतन की कोई भी कटौती नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट अवकाश आता है पितृत्व लीव, जिसे इंग्लिश में पैटर्निटी लीव बोलते हैं। यह पुरुषों को 2 बार मिलती है। 2 बच्चे होने तक ही यह मतलब छुट्टी मिलेगी और इसकी अधिकतम सीमा 15 दिन है। इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा नहीं जाता और इसमें भी पूर्ण वेतन दिया जाता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट छुट्टी विशेष अशक्तता अवकाश, स्पेशल डिसेबिलिटी। सरकारी कार्य के निर्वहन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने व लंबे समय के लिए बीमार होने पर चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर तथा स्वविवेक से सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकतम 24 माह तक यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है। मान लो कोई भी कर्मी दुर्घटना से उसके मतलब हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है या टूट जाता है या और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर की सलाह पर ये 24 माह तक अवकाश दिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लीव होती है स्टडी लीव, जिसे अध्ययन लीव बोलते हैं। यह लीव
क्षेत्र विशेष में निपुणता लाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मी को 24 माह के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, जो मतलब कर्मी जिस क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा है उस क्षेत्र में वो किसी मतलब कोर्स को करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, तो उसे अधिकतम 24 माह की छुट्टी दी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट छुट्टी आती है अवकाश नगदीकरण, जिसे हम इंग्लिश में लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। पूरे सेवा काल के दौरान 6 बार 10 दिन अवकाश नगदीकरण दिए होता है, जो कि कुल 60 दिनों का अवकाश नगदीकरण होगा। यह लाभार्थी तभी ले सकते हैं जब कर्मी अर्जित या आकस्मिक अवकाश जाता है और अवकाश आने के पश्चात LTC भरेगा। LTC होता है लीव ट्रेवलिंग कंसेशन। LTC भरेगा तो ही उसे ये दिया जाएगा, अन्यथा ब्याज सहित जो 10 दिन का लीव इंक्रीमेंट मिलता है अवकाश नगदीकरण, उसे वापस ले लिया जाता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा आप लोग जिस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपको उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।